एट रोल ऑफ एग्रीकल्चरल लेवल जब हम मैक्रो लेवल पे डिस्कशन करते हैं तो हम वहाँ पे बात करते हैं अबाउट एग्रीगेट्स की बिहेवियर एट एग्रीट लेवल जब आप एग्रीकल्चरल जब हम एग्रीकल्चरलिस्ट की बात करते हैं दैट अफेक्ट डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इकोनॉमी फिर यहाँ पे हम इस चीज़ को भी एनालाइज करते हैं क्या द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिसीज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और फिर साथ साथ क्या द एग्रीकल्चरल इवेंट्स इन्फ्लुएंस इंफ्लुस जनरल इकोनॉमी और फिर साथ में हम इन लिंकेज को भी आप कहें एक्सप्लोर करते हैं दैट एग्जिस्ट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि एग्रीकल्चर एज आ Is an important sector in the in an, an economy. Ke agricultural ki jo bhi production hai, it has a significant contribution towards the GDP. Ke it plays an important role in the determination of the domestic income. And on the basis of agricultural output, aapke paas jo economies hai, they can earn they can earn foreign exchange. Ke basically, it is the agricultural output.

और अगर आपका एक्सचेंज रेट अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है तो बाय सेलिंग दैट एग्रीकल्चर आउटपुट यू आर बेसिकली गेटिंग लेस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट फिर इसी पैटर्न में अगर एनर्जी कॉस्ट के रेफरेंस में बात करूं कि इफ देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी कॉस्ट के जी देर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द दॉसल फ्यूल बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्राइस प्राइसिस ऑफ फॉसल फ्यूल क्या होगा कि देयर इज लेस यूजेज ऑफ Factories that are using that fossil fuel as an input, कि okay, there is decrease in the usage of capital, jab capital ki consumption decrease ho jayegi again kya ho jayega It results a decrease in decrease in the output. Isi ja, thi, agricultural output. फिर ऐसे pattern पे एक और हमने बड़ी चीज observe की थी कि agricultural जो जो भी आपके पास agriculture sector है, it is a significant agricultural sector. प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू टू एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज पोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स अगर आपके पास एग्रीकल्चरल सेक्टर पर बेटर परफॉर्म ना करे तो गेन क्या होगा देयर इज डिक्रीज इन द इम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर और जब वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इम्प्लॉयमेंट अब्जॉर्बेशन एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो देन इट देयर इज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनोमी फिर इसी पेट में जो एग्रीकल्चरल आउटपुट की प्राइसिस हैं इट हैज समिफिकेंट इंस ओवर द इन्फ्लेशन दैट प्रिवेल्स इन द इकोनोमी जो आपके पास इफ देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट तो क्या होगा देयर इज एन इंक्रीजिंग द प्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इन द मार्केट और जब वो एग्रीकल्चर आउटपुट की प्राइसिस कुछ ज्यादा हो जाएगी इट कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड इन्फ्लेशन देयर इज इंक्रीजिंग द प्राइस प्राइसिस ऑफ फूड इन दार्केट फिर इसी पैटर्न पे अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें कि देयर इज इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट जो आपके लिए क्रेडिट है यूजेज ऑफ द क्रेडिट बाई द फार्मर विल बिकम एक्सपेंसिव और जब वो एक्सपेंसिव होगा इट माइट बी पॉसिबल फार्मर यूज लेस क्वांटिटी ऑफ द क्रेडिट जब वो लेस क्वान्टिटी ऑफ क्रेडिट यूज करेगा ही विल यूज लेस क्वांटिटी ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट अगेन अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या होगा देयर इज डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के जो भी आपके पास मैक्रो वेरिए एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट दीज मैक्रो वेरिएग्रीकल्चर आउटपुट आर इंटरलेटेड विद ईच अदर कहीं पर वो आपके एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंपेक्ट करेंगे कहीं पर आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट उन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इफेक्ट करेगा अब जब आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की बात करोगे They, they, these agricultural economists are basically employed by the government to evaluate how changes in monetary policy affect the prices of various food commodities. monetary policy, if there is a change in monetary policy, what form mein change in monetary policy? Because of increase in the interest rate. If there is increase in the interest rate, there is some influence on the ऑन द प्राइसिस ऑफ फूड कमोडिटीज हां जी वो क्यों आएगा इट माइट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट देर इज लेस यूजेज ऑफ इनपुट रिक्वायर टू प्रोड्यूस आउटपुट और अल्टीमेटली क्या हो गया देर इज डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट और जब एग्रीकल्चर आउटपुट कुछ कम प्रोड्यूस हुआ अल्टीमेटली इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड कमोडिटीज इन दार्केट फिर इसी पैटर्न पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी यहां पे आपके पास इश्यूज आप कह लें एग्जामिन कर सकते हैं विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड कि एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल इफ देर इज एनी चेंज इन पॉलिसी इट हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन दैट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन मार्केट फिर यहाँ पे आपके आप जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल दे कैन यूज द कंप्यूटर बेस्ड मॉडल

एग्रीकल्चरल आउटपुट तो हम कह सकते हैं कि एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल एग्रीकल्चरल इकोनॉमि कैन स्टडी द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन द एग्रीकल्चरल आउटपुट इनफैक्ट ये जो जो भी आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे वेरिएबल्स हैं और एग्रीकल्चरल आउटपुट इसके दरमियान एक रिलेशनशिप है कभी आपका मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आपके एग्रीकल्चर आउटपुट को इंफ्लुंस करेगा और कभी आपका एग्रीकल्चर आउटपुट उन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करेगा जब हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करते हैं दीज आर द वेरिएबल्स रिलेटेड टू जीडीपी इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट और वो सारे वेरिएबल जो आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की कैटेगरी में लिस्ट कर सकते हो